के बाद जितनी मर्जी गप लगाने के लिए बड़ा टाइम है। ये बोलते अल्लाह की नंगी तलवार होते हैं, इसी कार ही कहा गया है। हम इतना फायदा थोड़ा करते हैं, नुकसान ज्यादा कर जाते हैं। अगर किसी को शक हो तो NNI वाले बैठे हैं इसी फंक्शन में, इसी साल मैरियट पे। मैंने ही कहा था कि जरदारी अंदर नहीं आ सकता है, जरदारी अंदर नहीं आ सकता। बाबा हम नंगी तलवार होते हैं, हॉट लाइन पे खड़े हैं, लेने के देने ना पड़ जाए। अगर किसी को शक हो तो निकाल के जाऊंगा। हम तख्त भी देते हैं, ताज भी देते हैं, जिल्लतों से निवाज भी देते हैं, इज्जतों से भी निवाज देते हैं। 24 घंटे जिल्लतों का पहाड़ बने खड़े होते हैं। लू लू हमारा दर्द होता है, कभी सुख का चैन ही नहीं हम लिया, एक सांस भी नहीं है जो अपनी जात के लिए वक्फ हो गया। हर सांस उसके लिए और उसकी मखलूक के लिए वक्फ हो गया। तो बाबा आया, सारी प्रेस को पता है, मैंने उसको अंदर दाखिल नहीं होने दिया कि तुम नहीं आ सकते। जब बहुत प्रेशर पड़ा तो मैंने कहा इसको ले जाओ, इसकी मुझे नीचे कर दूंगा, शर्मिंदा कर दूंगा। पत्नी जमाने ने ये देखा, शर्मिंदा हूं ये लोग। और प्रेस को मैं कह के गया था, 4 महीने के 3 महीने बाद शर्मिंदा हो गई। फिर मैंने कहा एक एक फ्लैट में मैं गयों, फेडरल लॉज में गयों, खर्च लेके खुर्शीद शाह, नवीद कमर, मंजूर ब्रिगेडियर अस्कर का तक तय किया था 11 सितंबर को कि तुम्हारी काकी का मेकअप होता रहा है, बचा सकते हो तो बचा लो। और फिर जमाने ने देखा काकी का मेकअप उतरा। इसी दिन कल मेला हो रहा है, मेले पे मैंने कहा जात सरदारों की सरदारियां गई, एक मुल्क में 2 वज़ीर-ए-आज़म नहीं पसंद करेंगे, या अतीक रहेगा या कयूम रहेगा, पता नहीं उनमें से कोई रहा कि न रहा। और ये इतना मेरा फिक्रा मशहूर है आजाद कश्मीर में, सरदारों की सरदारियां गई, सरदारों की सरदारियां गई। तो फकीर उसे नहीं कहते हैं जो कहे हो न जाए, फकीर वो है जो जबान से बेसाख्तापन में वजदान में निकले वो पूरा हो जाए। वो आजाद व शुमार का आदमी नहीं होता है, वो पत्नी क्या कहता फिरता और खुदा पत्नी क्या करता फिरता है।